आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। उसके बाद कोहली और पंत के बीच में एक शानदार गर्जन आई। 57 रन की शानदार पारी खेली कप्तान विराट कोहली ने। गेंदबाजी में सबसे सफल रहे शाहीन अफरीदी, 3 सफलता उनके नाम, हसन के नाम 2 और एक एक सफलता मिली शादाब और रॉब को। नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। मैच तो हार जीत का होता है, किसी ने किसी को जीतना था, बट जिस हिसाब से इंडिया का अर्ली विकेट गिरा और यहाँ पे विकेट नहीं ले सके, तो दोनों जगह मुझे लगता है प्रेशर बिल्ड हुआ जिस कारण से इंडिया जो है मैच हार गया। सबसे ज़्यादा निराश जो जैसे रोहित शर्मा है बहुत जल्दी वो आउट हो गए और हार्दिक पांड्या ने भी लास्ट ओवर में नहीं बैटिंग कर सके ठीक से, मुझे लगता है वो डिसअपॉइंटेड वाला मोमेंट है, बट एक टीम स्पिरिट में कहीं ना कहीं यही बोल सकता हूँ कि पाकिस्तान भी अपना ही बच्चा है, जीत गया तो कोई बात नहीं। क्या मुझे लगता है कि जिसमें फिटनेस नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से खतरा था फिटनेस इतनी है, तो मेरे ख्याल से फिट प्लेयर हो जो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या चाहे फिट नहीं है बॉलिंग नहीं करता, उस तरह के फिट प्लेयर भी मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से खेला उन्होंने तो अच्छा है, बट हो सकता है कि टीम स्पिरिट पे या फिर उनके मोराल पे थोड़ा असर हो, बट ठीक है, हाई इंटेंसिटी गेम था, लास्ट तक गया है, गेम में तो जीत होती है, शायद आगे को मैच में सीख लेके इंडिया जीतेगा। नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है।